बच्चों, मैं हूं अलका और आप सुन रहे हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है अवंती। अवंती एक खुश दिल लड़का था, इसलिए लोग उसे बहुत चाहते थे। खास तौर से गरीबों का तो वह बहुत प्यारा दोस्त था। कुछ लोग उसे नीचा दिखाने की भी कोशिश करते थे, परंतु अवंती अपनी सूझबूझ से उल्टा उन्हें ही मूर्ख बना दिया करता था। एक बार एक गरीब मजदूर ने किसी दुकान से एक मुर्गी के कबाब उधार लेकर खाए। कुछ दिनों बाद वह कबाब के पैसे देने के लिए दुकानदार के पास गया। दुकानदार ने कुछ देर हिसाब लगाया और बोला, आप 1,000 रुपये हुए। क्या 1,000? मजदूर का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। वह बोला, एक मुर्गी के कबाब की कीमत 1,000? दुकानदार बोला, तुम खुद ही हिसाब लगा लो। यदि तुम मुर्गी नहीं खाते तो वह कितने और अंडे देती? उन अंडों में से कितने बच्चे निकलते? वे बड़े होकर फिर और कितने अंडे देते? और उन अंडों में से फिर और कितने बच्चे निकलते? इस तरह हिसाब लगाओ तो इतनी कीमत तो बनती ही है ना। मजदूर परेशान होकर बोला, मैं इतने पैसे नहीं दूंगा। यह सुनते ही दोनों में झगड़ा होने लगा। आखिर में दोनों न्यायालय पहुंचे। न्यायाधीश ने कहा, आप लोग कल अपने अपने वकील के साथ अदालत में हाजिर हों। गरीब मजदूर चिंता में पड़ गया। उसके पास वकील को देने के लिए पैसे ही कहाँ थे? उसने अवंती के बारे में सुन रखा था कि वह गरीबों की बहुत मदद करता है, इसलिए लोगों से पता पूछता पूछता वह अवंती के पास पहुंचा और उसे पूरी बात सुनाई। मजदूर की बात सुनकर अवंती ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम ठीक समय पर न्यायालय पहुंच जाना, मैं वहीं आ जाऊंगा। अगले दिन निश्चित समय पर दुकानदार और मजदूर न्यायालय पहुंच गए। दुकानदार के वकील ने वही पूरी कहानी न्यायाधीश को सुना दी। अब मजदूर के वकील की बारी थी, पर अवंती न्यायालय पहुंचा ही नहीं था अब तक। मजदूर बड़ा परेशान था। तभी अवंती आ पहुंचा। आते ही उसने देर से पहुंचने के लिए माफी मांगी और बोला, श्रीमान, आज मुझे अपने खेत में गेहूं बोने थे। मैं गेहूं को भुनवाने चला गया था, इसीलिए मुझे देर हो गई। अवंती की बात पर न्यायालय में सभी लोग जोर से हंस पड़े। न्यायाधीश के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। न्यायाधीश ने अवंती से पूछा, क्या कहीं भुने हुए चने बोने से पौधे उगते हैं? अवंती ने तुरंत उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं श्रीमान, भुने हुए गेहूं बोने से पौधे नहीं उग सकते। ठीक इसी तरह भुनी हुई मुर्गी भी अंडे नहीं दे सकती। न्यायाधीश को अवंती की बात बिल्कुल सही लगी। उन्होंने निर्णय सुनाते हुए कहा, दुकानदार को मजदूर से केवल एक मुर्गी के कबाब की कीमत लेने का हक है, इससे अधिक नहीं। सुनकर सभी ने न्यायाधीश के फैसले का स्वागत किया। मजदूर भी खुशी खुशी अपने घर चला गया। शुभ रात्रि।